हमने पिछले वीडियो में क्लिप 3D प्रिंटिंग के बारे में देखा, विच इज़ अ फास्टर वर्जन ऑफ SLA 3D प्रिंटिंग। आज हम एक न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में जानने वाले हैं, विच इज़ ऑल्सो फास्टर वर्जन ऑफ SLA। सो वेलकम टू रीडिफाइन। अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो मैं आपको बता दूं कि ये एक 3D प्रिंटिंग रिलेटेड चैनल है। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई न्यू वीडियो मिस ना करें। सो लेट्स बिगिन। HARP, which stands for High Area Rapid Printing, जो एक SLA method है टू प्रिंट लार्ज ऑब्जेक्ट्स कंटिन्यूसली एट हाई स्पीड्स। आपने क्लिप 3D प्रिंटिंग में की जो वीडियो देखी है उसमें देखा होगी कि क्लिप में एक ऑक्सीजन परमिएबल मेम्ब्रेन होता है जिसके वजह से ऑब्जेक्ट FEP पे स्टिक नहीं होता और प्रोसेस फास्ट हो जाती है। हार्प 3D प्रिंटिंग टेक्निक में किसी भी SLA प्रिंटिंग टेक्निक में जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस के वजह से हीट जनरेट होती है जिससे हाई स्पीड्स पर स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स आ सकते हैं, उसे सॉल्व करने की कोशिश की है। ये टेक्नोलॉजी 2019 में अमेरिकन रिसर्च ग्रुप जो नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी इन इवेंस्टन इलिनॉय में बेस्ड है, उन्होंने डेवलप की थी। The HARP 3D printing technique has been able to achieve continuously vertical print rates exceeding 430 millimeter per hour, which has a volumetric throughput of 100 liters per hour, जो एक 3D printing standpoint से बहुत high है। ये technology Azul 3D ने commercialize किया है, उनका 13 foot tall HARP 3D printer है। तो चलिए देखते हैं ये process कैसे काम करता है। हीट एक लिमिटिंग फैक्टर है जो SLA 3D प्रिंटिंग में ऑब्स्ट्रक्शन लाता है। हाई स्पीड्स पर टेम्परेचर बहुत हाई लेवल तक पहुंच जाता है, कभी कभी अप टू 180 डिग्री सेल्सियस। इससे ऑब्जेक्ट्स में क्रैक्स और डिफॉर्मेशंस भी जनरेट होते हैं। HARP टेक्नोलॉजी में ये प्रॉब्लम डील करने के लिए एक नॉन स्टिक लिक्विड को यूज़ किया गया है। ये एक लिक्विड टेफ्लॉन सोल्यूशन होता है। ये लिक्विड कंटिन्यूसली विंडो के ऊपर से सर्कुलेट होता रहता है जिससे यूनिट को कूलिंग मिलती है। ये लिक्विड ऑब्जेक्ट को भी विंडो से स्टिक होने नहीं देता, जिससे आफ्टर एवरी लेयर ऑब्जेक्ट को अनस्टक करने की ज़रूरत नहीं होती जो नॉर्मल SLA में करना पड़ता है। लिक्विड टेफ्लॉन के ठीक ऊपर ऑब्जेक्ट लेयर बाय लेयर क्योर होता रहता है। इससे हाई स्पीड्स पर लार्ज स्केल ऑब्जेक्ट बना सकते हैं और SLA होने से ये हाई एक्यूरेसी और डिटेल्स भी देता है। इसमें काफ़ी सारे मटेरियल्स यूज़ कर सकते हैं, रेंजिंग फ्रॉम स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल टू हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंट एंड मशीनेबल। Azul 3D ने SLA में सबसे बड़ा स्ट्रक्चर बनाया था जिसके डायमेंशन 30x30x120 सेंटीमीटर्स थे। ये उन्होंने सिर्फ 3 आवर्स में किया था। COVID-19 पैंडेमिक में Azul 3D ने फेस शील्ड मैन्युफैक्चर किए थे एट द रेट ऑफ 1000 पर डे ऑन द स्टेट ऑफ द आर्ट 13 फुट टॉल HARP 3D प्रिंटर। सो ये था HARP 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी विच इज़ अ ह्यूज स्टेप फॉरवर्ड इन द SLA 3D प्रिंटिंग। सो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई न्यू वीडियो मिस ना करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप प्रिंटिंग।